नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बकवास करार देते हुए सोमवार को कहा कि ये सूबा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही चलेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज खत्म हो गई। स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूड़ा एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। एमपी में सत्ता के उथल पुथल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आगे भी यह मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और खंडवा संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी महासचिव विजयवर्गीय ने यह बात एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। इंदौर नगर निगम का बजट पेश हो गया है। निगम आयुक्त ने नगर निगम का बजट पेश किया। इस बार निगम ने कुल 5,162,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इंदौर कलेक्टर ने अनूठा फॉर्मूला निकाला है। अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ मिलकर यह तय किया कि मंडी में उसे ही एंट्री मिलेगी जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुका है। फिलहाल इतना ही। बाकी की हर बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।